मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा आज 5 लोगों ने मुंडन संस्कार करवाया। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष गोविंद ओकटे द्वारा बताया गया कि महासंघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताली कर्मचारी अब अपनी मांगों को मनवाने हेतु अड़िग हो चुके हैं। उसी क्रम में आज हड़ताल पंडाल पर समिति के 5 सदस्यों द्वारा मुंडन संस्कार करवाया गया। बीते दिवस भोपाल में शासन द्वारा सहकारी समिति महासंघ के पदाधिकारियों को बुलाकर मांगों के संबंध में वार्तालाप की गई, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए जब तक मांगे पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जिले के सहकारी समितियों द्वारा किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। सहकारिता समिति कर्मचारी के विगत कई वर्षों से मांगों का निराकरण नहीं किया गया है। आगामी 6 मई 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का संकेत किए गए। इसमें प्रमुख मांग यह थी कि हमें वेतन मान का निर्धारण एवं 200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ का कमीशन निर्धारित दिनांक तक इसका सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, किंतु इसके पहले भी उन्होंने तारीख पे तारीख एवं समझौता किया। हम लोगों ने यह बोला है कि आपकी तारीख पे तारीख और समझौता योजना की हमने जो पटरी चली है उसको उखाड़ के फेंक दी है, और आज दिनांक से समूचे प्रदेश में एक साथ मुंडन संस्कार का कार्यक्रम किया जा रहा है। और आगामी दिनों में अगर उन्होंने 18 तारीख तक हमारी न्यायोचित मांगों का निराकरण नहीं किया तो हम लोग 19 तारीख में प्रदेश के पूरे कर्मचारी सीएम हाउस का घेराव करके वहां पे मुंडन संस्कार करेंगे एवं वहां पे सामूहिक इस्तीफा देकर हम लोग पुनः वापस अपने अपने जिले के पंडालों में आएंगे। मैं जिलाध्यक्ष गोविंद ओकटे, छिंदवाड़ा। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।